खिलाड़ी थे, मगर ये क्रिकेट ने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बड़ा उलट फेर हुआ तमाम मैचों में, और यहाँ पर इस मैच में भी उलट फेर हो गया। शुरू में ऐसा लगा कि सोनापुरी की टीम नहीं खेल पाएगी, बिल्कुल कहीं ऐसा था नहीं कि इतना बड़ी वापसी कर रही, अंत में उसने जीत दर्ज कर लिया। मुंबई के भी यहाँ हाथ के पहले रहता है, बस लोग राजनीति में आए हैं। तो चलिए विजेता और उपविजेता मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट गेंदबाज और बेस्ट बल्लेबाज। चलिए देखिए एक और केवल वो व्यक्ति तो है तमाम शरीफों में, तमाम रोल में इस प्रतियोगिता में पूरे 15 दिन तक उपस्थित रहे हम, और हम बुला रहे हैं, मतलब ये है कि हम लोग तो हम नहीं, आप बुला रहा हूँ जय प्रकाश सिंह साहब को। अरे और ये लाइफ टाइम बाद में जाए उस शख्सियत के लिए है जिन्होंने टूर्नामेंट का आधा भार अपने कंधों पर ढोया है। सुबह से लेकर पूरे 15 दिन कोई रहे या न रहे, जेपी भैया कमेंट्री से लेकर अंपायरिंग तक जहां इनकी जरूरत पड़ी करते रहे, हम इनको किसी को भी जिसने भी यहाँ पर कुछ खास कुछ भी विशेष नहीं किया है, हम तो छोटे रोल वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास वक्त भी थोड़ा कमी है और पुरस्कार भी कमी नहीं है। आप जय प्रकाश सिंह के लिए तो और प्रबंधक के लिए तो और बड़ा मौका होगा अगली बार, हम वो बात बताएंगे। ये चूंकि अगली पाउडर जी क्या भैया, हाँ राम जी जी सर बताइए कौन सा पुरस्कार देना है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल मैच, निस्संदेह वो खिलाड़ी जिसने मैच की दशा और दिशा बदल दी अपनी गेंदबाजी से, शिवमणि प्राण सेवा करी। और काफी भी होगा पकड़ना।